हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन। फ्रेंड्स ये डिज़ाइन हमारा जो है किसी भी प्रोजेक्ट पे डल सकता है। इस डिज़ाइन को आप लेडीज स्वेटर में बना सकते हो, जेंट स्वेटर में इसे अप्लाई कर सकते हो या बच्चों की। बहुत ही आसान डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन की खास बात यह है कि ये केवल सीधी तरफ से डलता है और देखिए बैक साइड से पूरा उल्टा उल्टा ये बुना जाता है। केवल सीधी तरफ से डिजाइन डलेगा और ये डिजाइन हमारा 14 सिलाइयों का है। लेकिन देखिए यहां से लेके यहां तक इतना ये 14 फंदों का है, फिर 14 सिलाइयों में डिजाइन बंटा हुआ है। और इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें चाहिए 12 के मल्टीपल पे फंदे। यानी कि आप ये डिजाइन बनाओगे तो आपने 12 के हिसाब से अपने फंदे डिवाइड करने हैं, प्लस 4 फंदे, पूरी सिलाई में 4 फंदे केवल एक्स्ट्रा रखने हैं, बाकी सारे फंदे हम 12 के हिसाब से रखेंगे। तो चलो डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, इस पे मैंने 16 फंदे डाले हैं। एक केबल मैं आपको बना के बताऊंगी, इतनी ये वाली लाइन मैं आपको इस पे बना के बताऊंगी। सीधी तरफ से ये डिजाइन डलेगा। राइट साइड से देखिए फर्स्ट रो हमने कैसे बनानी है। पहला फंदा हमने इस तरह से सीधा उतारना है, धागा हम अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। देखिए एक दो फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। एक दो तीन 4 5 6 फंदे हमने सीधे बुन देने हैं। अब आगे के 4 फंदों पे हमने डिजाइन डालना है। देखिए आगे के जो ये दो फंदे हैं, शुरू के दो फंदे हैं, तो इनमें से पहले हम सेकंड नंबर का फंदा बुनेंगे। इस तरह से हमने इसे पहले बुनना है, पहले हमने इस फंदे को बुनना है, फिर हम फर्स्ट वाले फंदे को बुनेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले हमने सेकंड फंदा बुनना है, उसके बाद फर्स्ट फंदा बुनेंगे और दोनों फंदों को हमने उतार देना है। अब आगे के इन दो फंदों पर डिजाइन डलेगा, तो इसके लिए हमने पहले पीछे के फंदे को बुनना है, पीछे से सेकंड नंबर के फंदे को पीछे से बुनना है, फिर फर्स्ट नंबर के फंदे को आगे से बुनना है। इस तरह से ऐसे ये देखिए। इसके बाद हम धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, किनारे के 3 फंदे उल्टे, लास्ट में हमारे 3 फंदे बचेंगे, तीनों फंदे हमने उल्टे बुनना है। अब देखिए बैक साइड हमारा पहला फंदा हमने स्लिप किया, पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे, उल्टी तरफ से पूरा हमने उल्टा बुनना है, पूरा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो राइट साइड पहला फंदा स्लिप किया, दो फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, धागा पीछे करेंगे। अब हम देखिए थर्ड रो पे 5 फंदे सीधे बुनेंगे। फर्स्ट रो पे हमने 6 फंदे सीधे बुने थे, लेकिन थर्ड रो पे जब हम आएंगे तो हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं, 4 और ये 5। 5 फंदे सीधे बुनने के बाद 4 फंदों पे डिजाइन डलेगा। जो हमने फर्स्ट रो पे डिजाइन डाला था उसे ही हमने डालना है। देखिए पहले हम सेकंड नंबर का फंदा बुनेंगे, इसके बाद हम फर्स्ट वाला फंदा बुनेंगे। इसी तरह से इन दो फंदों पे हमने डिजाइन डालना है, तो हम पहले सेकंड नंबर का फंदा बुनेंगे, लेकिन पहले हम बैक साइड से बुनेंगे इस तरह से, फिर फर्स्ट वाला फंदा बुनना है आगे से। अब हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे किनारे के, बैक साइड से हमने पूरा उल्टा बुनना है। इसलिए मैं आपको बैक साइड बुन के नहीं बता रही हूं, मैं आपको केवल सीधी तरफ से बना के बताऊंगी। फोर्थ रो हमने पूरी उल्टी बुननी है बैक साइड। देखिए फिफ्थ रो राइट साइड पहला फंदा हमने सीधा उतारा, धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। हर बार हमारा जब हम सीधी तरफ से आएंगे, एक एक फंदा हमारा यहाँ पे घटता जाएगा, कम होता जाएगा। पहले 6 फंदे थे, फिर 5 फंदे हुए, अब ये 4 फंदे सीधे। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद अब इन 4 फंदों पे डिजाइन डलेगा। तो पहले हम सेकंड नंबर का फंदा आगे से बुनेंगे, फिर फर्स्ट वाले फंदे को बुनेंगे ऐसे। अब इन दो फंदों पे बनाना है, तो पहले हम बैक साइड से देखें, पीछे की तरफ से दूसरे नंबर के फंदे को बुनेंगे, इसके बाद हमने देखिए पहले फंदे को बुनना है आगे से इस तरह से। अब हमारे यहाँ पे 2 फंदे सीधे हो गए,
तो इन दोनों फंदों को पहले सीधे बुन देंगे और धागा आगे करके तीन फंदे उल्टे बैक साइड से हमने पूरा उल्टा उल्टा बनाना है। देखिए सेवेंथ रो बैक साइड उल्टा बुनने के बाद अब हम आ गए सेवेंथ रो पे। पहला फंदा हमने स्लिप करना है, इसके बाद दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब हमने यहाँ पे तीन फंदे सीधे बुनने हैं। हर बार हमारा एक एक फंदा कम होता जा रहा है इस साइड। देखिए यहाँ पे हमारे फंदे कम होते जाते हैं और यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ते जाते हैं। देखिए पहले छह थे, फिर पांच हुए, चार हुए, अब की बार तीन। अब देखिए पहले हम इस फंदे को बुनेंगे, फिर हम फर्स्ट फंदे को बुनेंगे। अब इन दो फंदों में से पहले हम पीछे से बुनेंगे सेकंड नंबर के फंदे को, ऐसे देखिए। फिर हम फर्स्ट वाले फंदे को बुनेंगे आगे से। अब यहां पे हमारे तीन फंदे हो गए, इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुनना है, धागा आगे, लास्ट के तीन फंदे उल्टे। ये देखिए इस तरह से हमारी सेवेंथ रो ओवर हो गई। एट्थ रो हमने पूरी उल्टी बुननी है बैक साइड से। देखिए अब नाइन्थ रो एट्थ रो पूरी उल्टी बुन दी मैंने बैक साइड से। अब नाइन्थ रो पहला फंदा स्लिप किया, धागा आगे किया, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो। अब आगे के इन चार फंदों पे डिजाइन डलेगा। तो शुरू के जो दो फंदे हैं उनमें से पहले सेकंड नंबर का फंदा हम बुनेंगे आगे से, फिर इसके बाद पहले वाला फर्स्ट वाला फंदा बुनेंगे इस तरह से। इन दोनों फंदों को गिरा देंगे। अब इन दो फंदों में से सेकंड नंबर के फंदे को बुनेंगे बैक साइड से, इसके बाद फर्स्ट वाले फंदे को बुनेंगे आगे से फ्रंट से, इस तरह से। यहाँ पे हमारे चार फंदे हो गए, अब चारों को हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे। अब हमने बैक साइड से पूरा उल्टा उल्टा बुनना है। इलेवेंथ रो में पहला फंदा स्लिप किया, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए इलेवेंथ रो में हमने एक फंदा अब सीधा बुनना है। अब आगे के चार फंदों पे डिजाइन डलेगा। तो पहले देखिए सेकंड नंबर के फंदे को आगे से बुनेंगे सीधा, इसके बाद फर्स्ट वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब इन दो फंदों में से पहले सेकंड नंबर के फंदे को बैक लूप से बुनेंगे, फिर इसके बाद आगे से बुनेंगे पहले फंदे को, इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे हो गए हैं पांच फंदे हमारे सीधे, एक दो तीन चार पांच, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे। देखिए बैक साइड से हमारी पूरी उल्टी उल्टी आएगी। देखो 12 रो पूरी उल्टी बुनने के बाद अब हम आ गए हैं 13 रो पे। रो 13 पहला फंदा स्लिप किया, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, अब देखिए धागा पीछे। अब हमारा यहाँ पे एक भी फंदा नहीं बचा है, अब हमने सीधे चार फंदों पे डिजाइन डालना है। देखिए पहले इस फंदे को बुनेंगे, सेकंड नंबर के फंदे को बुना, इसके बाद फर्स्ट फंदे को बुना। अब इन दो फंदों में से पहले सेकंड नंबर के फंदे को बुनना है बैक साइड से, फिर फर्स्ट वाले फंदे को बुनना है फ्रंट साइड से, इस तरह से हमने बुनना है। देखिए अब हमारे यहाँ पे छह फंदे हो गए, छह फंदे हमारे सीधे, एक दो तीन चार पांच छह फंदे सीधे, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे। इस तरह से हमारी 13 रो ओवर होती है। अब हमारी 14 रो बैक साइड पहला फंदा हमने स्लिप करना है, इसके बाद पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है।
देखो फ्रेंड्स पूरी 14 रो हो गई है। इन्हीं 14 सिलाइयों को हमने बार बार रिपीट करते हुए जाना है। फिर से हमने फर्स्ट रो से रिपीट करना है। जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी, दो उल्टे बुने थे, 6 सीधे, फिर 4 फंदों पे डिजाइन था, फिर लास्ट में 3 फंदे उल्टे। इस तरह से फिर से हमने फर्स्ट रो से रिपीट करते हुए बार बार इन 14 सिलाइयों को रिपीट करेंगे। तो देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन ये हमारा बन के आता है और बहुत ही आसान है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।